गाइस, दुनिया में जितनी चीजें बनती है ना, सब किसी न किसी पर्पस से बनती है। पर आज भी हम में से बहुत लोग ऐसी रियल पर्पस के बारे में नहीं जानते जो हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाइस, मानो या ना मानो, बट हमारी डेली लाइफ में ऐसी भी पॉपुलर चीजें भी हैं जिनको बनाया गया किसी और चीज के लिए, लेकिन बनकर कुछ और रह गया। तो यारो, चलो आज के इस फैंटास्टिक वीडियो में हम कुछ ऐसे रियल पर्पस के बारे में जानते हैं जिनके पर्पस को आज तक हम इग्नोर करते आए हैं। ट्रेन के ऊपर ये उभरी हुई चीज क्या होती है, या फिर बाइक में सिंडिकेटर बॉक्स क्यों होता है, और गाइज, हमारे रिंग फिंगर से ही क्यों ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आपको बाइक की सस्पेंसर क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, क्या आपको ये मालूम है कि नया सस्पेंसर के साथ आने वाले इस बॉक्स को क्या काम होता है? नहीं ना, दरअसल इस बॉक्स में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है और इस तरह के सस्पेंसर को नाइट्रोबॉक्स सस्पेंसर कहा जाता है। अच्छा, आपने कभी बाइक चलाई होगी तो आपको जो ये तो पता ही होगा, जो नॉर्मल सस्पेंसर होती है ना, वो 50 से 60 किलोमीटर चलने के बाद झटका देने लगती है। ये इस वजह से होता है कि उनके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोलिक फ्यूल में कुछ इस तरह की झांझ बन जाते हैं जो ऑयल को और हार्डर बना देते हैं। अब इस बॉक्स में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस इस झांझ को नहीं बनने देते हैं, जिसमें आपकी बाइक लॉन्ग डिस्टेंस चलने के बाद भी झटका नहीं देती। अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो आपको ये पता ही होगा कि ब्लड टेस्ट करने वाले अक्सर रिंग फिंगर से ही ब्लड टेस्ट करते हैं। पर यारो, ऐसा क्यों, बाकी उंगलियों में खून नहीं होता है? होता है ना, तो फिर बाकी उंगलियों के साथ भेदभाव क्यों? दरअसल आपके बेनिफिट के लिए ही किया जाता है। देखो, आपके मिडिल फिंगर में नर्व नीचे होती है तो ब्लड सैंपल के लिए उसमें सुई को अंदर तक डालना पड़ेगा, और आपका थंब और स्मॉल फिंगर बहुत ही छोटी होती है, इसलिए उसमें आपको काफ़ी दर्द होगा। और यारो, पहले ये माना जाता था कि लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर की नस डायरेक्ट हमारे हर्ट के साथ कनेक्ट होती है, और गाइज, इसी रीजन की वजह से लास्ट में उन्होंने इस रिंग फिंगर को चुना। आजकल पार्टी में कोका कोला ना हो तो यारो पार्टी पार्टी नहीं लगती, बल्कि बकवास पार्टी लगती है। जैसे कि किसी ने पड़ोस में बर्थडे के लिए बुलाया हो और उसमें समोसा खिलाकर 500 का गिफ्ट देना पड़ जाए। एक मिनट, हम कहाँ थे? सॉरी, मैं थोड़ा इधर उधर हो गया था। अबे साले, कभी माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूं। तो हाँ, कोका कोला आप लोग जानते ही हो, पर इसे किस पर्पस से बनाया गया था, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको भी जान लेना चाहिए कि पहले के समय में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। पहले कोका कोला का यूज ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन और ऐसे कई चीजों की लत छुड़ाने के लिए किया जाता था। कोका कोला पहले हेडियोस्टोनिक पेन को भी कंट्रोल करता था, ये एक टाइप से दवा थी। और आज देखो, सिर दर्द हटाने की जगह सिर दर्द और मोटापा दे रही है। तो सोचो, आजकल पार्टी में हम सब दवा पी रहे हैं। अक्सर ट्रेन के ऊपर प्रेजेंट इन उभरी हुई चीज को जरूर देखा होगा आप लोगों ने, बट आखिर में ये चीज होती क्या है और इसका मेन पर्पस क्या है? तो यारो, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ये ट्रेन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये चीज़ ट्रेन में ना हो तो ट्रेन डिसबैलेंस भी हो सकता है। एक्चुअली में हमारे घर में लगे वेंटिलेटर की तरह ट्रेन में रूफ वेंटिलेटर होते हैं जो ट्रेन में जमे गर्म हवा को बाहर निकालते हैं। ये ट्रेन के अंदर से इस तरह जालीदार और फिर ट्रेन के बाहर इस तरह उभरे होते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।